तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉल लग रहा है। नमस्कार, एयरटेल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप लोग एयरटेल के कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं तो किस तरह से आप लोग डायरेक्ट एयरटेल के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, यही आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और पहले का जो तरीका था एयरटेल कस्टमर केयर से बात करने का, वो अब चेंज हो चुका है। आपको नए तरीके से आपको कॉल लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कॉल लगाने के लिए क्या करना है कि 198 पे आपको कॉल लगाना है, यानी 198 पे आपको कॉल लगाना है। और जैसे आप लोग कॉल लगाइएगा अपना एयरटेल नंबर से, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बोलेगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान से सुनना है, इसमें आपको कोई भी गलती नहीं करना और वीडियो को आपको जरा सा भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। प्रीपेड संबंधित जानकारी के लिए 1 दबाएं, एक्सट्रीम फाइबर ऑफ फिक्स लाइन के लिए 2 दबाएं, पोस्टपेड संबंधित जानकारी के लिए 3 दबाएं, एयरटेल डिजिटल टीवी सेवाओं के लिए 4 दबाएं। तो जैसे यहाँ पे 4 दबाने के लिए बोलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 1 दबा देना है। और आप लोग चाहें तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अगर आप लोग लाइक नहीं किए। काफी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जरूर से आप लोग कर दीजिए। आपके एयरटेल मोबाइल की आउटगोइंग सेवाओं की वैधता समाप्त हो जाएगी। 1.5 GB आपके मोबाइल का डेटा कोटा है, जिसमें से 1.5 GB डेटा बचा है। अधिक जानकारी पाने के लिए मोबाइल पर आए हुए SMS में आए लिंक पर क्लिक करें। आपके प्रीपेड मोबाइल अकाउंट, तो यहाँ पे कितना बैलेंस है, क्या है, सारा चीज बताया जा रहा है। इसको आपको ध्यान से सुन लेना है। और आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए आपका कौन सा स्टेट है। अच्छा लगेगा कि हमारा वीडियो यहाँ देखा जा रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। रिपोर्ट करने के लिए 1 दबाएं, अकाउंट से संबंधित जानकारी। तो जैसे ये सब ऑप्शन बोला जाएगा, इसको आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। बेस्ट ऑफर, रीसेंट रिचार्ज, 5G पर अधिक जानकारी, थैंक्स रिवॉर्ड्स और कूपन के लिए 2 दबाएं। सिम खोने की रिपोर्ट, सिम बदलने की स्थिति, ई सिम अपग्रेड, हेलो ट्यून, DND और अपना मोबाइल नंबर या POK जानने के लिए 3 दबाएं। प्रीपेड से पोस्टपेड में बदलने के लिए, अपना नंबर रिचार्ज करने के लिए, IVR भाषा बदलने के लिए या रिक्वेस्ट रेज करने के लिए 4 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। पिछली सूची के लिए 7 दबाएं। मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं। तो यहाँ पे जैसे बोल देगा मुख्य सूची के लिए 8 दबाने के लिए, तो यहाँ पे आपको 1 दबा देना है, ठीक है। यदि आप डेटा सेवाओं या इंटरनेट का उपयोग करने में असमर्थ है तो 1 दबाएं। यदि आप कॉल करने या प्राप्त करने में असमर्थ है तो 2 दबाएं। SMS से संबंधित समस्या, 3 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 0 दबाएं। पिछली सूची के लिए 7 दबाएं। मुख्य सूची के लिए 8 दबाएं। हमारे कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट से बात करने के लिए 9 दबाएं। तो यहाँ पे हम लोग को कस्टमर केयर से बात करना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 9 दबाएंगे, ठीक है। कृपया लाइन पर बने रहें। आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉल लग रहा है। नमस्कार, एयरटेल में कॉल लग भी चुका है और जो हमको प्रॉब्लम आ रहा है हम बात करते हैं। आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हेलो सर।